वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए मैं आपको रेडी रेपरन साड़ी बताऊंगी। तो जो साड़ी रहेगी अपनी उसमें कितना माप लिया जाएगा, कहां से लिया जाएगा, वो पूरा इस वीडियो में बताया है। तो जो पल्लू के साइड हैं, पल्लू के साइड से आप 2.5 मीटर छोड़कर एक हल्का सा कट लगा दीजिए। आपको पल्लू छोटा बड़ा लेना है तो अपने अकॉर्डिंग अपने नाप कर भी आप हल्का सा कट लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का लिया है, 2.5 मीटर छोड़ के कट लगाया है। अभी देखिए जो पल्लू के कॉर्नर का भाग है वहाँ से लंबाई का नाप ले लेंगे। तो लंबाई चाहिए मुझे 39.5 इंच चाहिए, 39.5 इंच चाहिए। आप 40 इंच भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉटन की साड़ी है। अगर कॉटन की साड़ी हो तो उसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा नीचे लंबा ज़्यादा लेना चाहिए, ऊपर चढ़ जाती है तो इससे। यहाँ पर मैं देखिए मैंने 40 इंच पर मार्क कर दिया है, ऊपर निशान करके जो ऊपर निशान किया है वहाँ से कपड़े को कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए साड़ी को कटिंग करेंगे, जहाँ पर कट लगाया था वहाँ तक ये कट करना है। आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने 2.5 मीटर पे कट लगाया था वहाँ पर, वहाँ तक आप साड़ी को कट कर दीजिए, ऊपर का पट्टा निकाल दीजिए लंबाई नाप कर। इस तरह से देखिए ऊपर एक बॉर्डर निकल जाएगी। अभी कमर का नाप लेंगे तो कमर है 34-35 इंच अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे मैंने 35 की कमर ली है। तो यहाँ पे पहले देखिए स्टार्टिंग से आप 5-7 जितना प्लेट्स ले लीजिए, 5-6 इंच छोड़ छोड़ के एक एक प्लेट्स लेना है। तो इस तरह से 7-8 प्लेट्स लगा दीजिए। इससे क्या साड़ी जो रेडी साड़ी होगी वो खींचेगी नहीं, पीछे से थोड़ा सा लूजिंग देगी। इस तरह से देखिए 6-7 इंच जितना गैप छोड़ते हुए एक एक प्लेट्स लगा देंगे। आप देख सकते हो इस तरह से इंच टेप से नाप लीजिए। 35 की कमर है तो 35-35 इंच आना चाहिए, और उसके बाद में आप 6 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। यानी जितनी कमर हो उस कमर से 6 इंच ज़्यादा लेना है, वहाँ से इतना छोड़कर एक ही प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे। जो पटली है पटली लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 35 इंच तो कमर थी और 35 के बाद में 6 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले ली है, यानी 41 इंच छोड़कर वहाँ से मैंने पटली लगाना शुरू कर दिया है। इस तरह से आप पटली लगा दें। देखिए पटली को बराबर सेट करते हुए पिन डाल दीजिए, आप ताचनी लगा दीजिए। और जो ऊपर एक्स्ट्रा साड़ी का पल्लू का भाग जो कट किया था वो दिख रहा है, वहाँ पे हल्की सी प्लेट्स 1-2 लगा के और पटली के नीचे दबा दीजिए, उसमें सेट कर दीजिए इस पार्ट को। इस तरह से प्लेटें लेके पटली के नीचे दबा दीजिए और पिन लगा दीजिए।
देखिए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे पटली के ऊपर। इस तरह से सिलाई लगा के देखिए जो पटली का भाग है उसके नीचे की तरफ आप 1 इंच पे या 1.5 इंच तक और सिलाई लगाए ताकि जो मेन पटली का भाग है वो बराबर सेट हो जाए, प्लेट से अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से 1-1.5 इंच पे किनार पे और सिलाई लगा दें। अभी देखिए ऊपर का जो पट्टा निकला है उस पट्टे को आप 3 इंच इतना छोड़कर बाकी का कटिंग कर देंगे। ढाई या 3 इंच जितना ले लेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए किनारे पे एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। देखिए साड़ी को उल्टा रखेंगे और जो पट्टी है उसको भी उल्टा रखेंगे, नेफे की तरह लगाना है तो दोनों को उल्टा रख के आधा आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए सिलाई लगा देंगे। पट्टी को सीधे की तरफ मोड़ते हुए किनार पे फिर से सिलाई लगा देंगे। कपड़े को मोड़ते हुए किनारे पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। आप देख सकते हो सिलाई लगा दी है। अभी देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी बची हुई थी उसके किनार पे पहले सिलाई लगा देंगे और एक तरफ से कपड़े को मोड़ देंगे। एक तरफ किनारे का भाग है और एक तरफ से जो कटिंग किया था उस तरफ से कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। अभी देखिए प्लेट्स लेनी है तो यहाँ पे देखिए पतली प्लेट्स नहीं लेनी है, उसको कपड़े को नीचे की तरफ ज़्यादा दबाएं क्योंकि हुक डालने के लिए बना रहे हैं, तो कपड़े को ज़्यादा अंदर दबाएं और फिर प्लेट्स ले एक एक। एक इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए पकड़ के कपड़े को नीचे की तरफ दबाते हुए आप किनारे पर सिलाई लगाएं। इस तरह से देखिए दूसरी तरफ भी उसको जो प्लेट्स लगाई थी उस सल को सेट करते हुए किनारी पे सिलाई लगा दे।
इस तरह से देखिए, जो पट्टी लगाई थी उसके ऊपर उसको रख कर दोनों तरफ किनारे पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हुक लगाने के लिए नाकियाँ बनाई हैं, तो आप इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगा दें। अभी देखिए, यहाँ पे मेरे पास और एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो मैंने पतली पतली पट्टी कटिंग कर दी है और उसको फोल्ड करके स्टिच कर देंगे डोरी जितना बनाना है। यहाँ पे देखिए, एक लंबी डोरी बना दी है और डोरी के दो भाग कर देंगे। इस तरह से दो भाग कर देंगे, तो एक भाग देखिए जो आगे किनारे वाला है वहाँ से लगाएंगे और एक भाग जो पटली का भाग है पटली की तरफ लगाएंगे। तो पटली के देखिए पीछे के साइड में लगानी है, इस तरह से देख सकते हो आप। यहाँ पे एक डोरी लगा देंगे, डोरी में तीन चार सिलाइयाँ देनी है। और एक देखिए आगे से आप सात आठ इंच जितना छोड़कर फिर डोरी लगाए किनार से, इसमें भी चार पांच सिलाई देनी है। आप देख सकते हो साड़ी रेडी हो गई है, बहुत सुंदर साड़ी लग रही है। इस तरह से वीडियो देख के आप ज़रूर बनाएं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।